ब्यूटी ऑफ लिविंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, छोटे छोटे सफेद मोतियों की तरह दिखने वाले साबूदाने को लोग अक्सर व्रत में खाते ही हैं। काफी लोगों का मानना है कि साबूदाने में कोई भी पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। साबूदाने से बनी हर चीज स्वादिष्ट तो होती ही है, पर साथ साथ ये कई बीमारियों को दूर करने में भी मददगार होती है। आइए जानते हैं साबूदाने के बेहतरीन फायदों के बारे में, जिसे जानने के बाद आप केवल इसे व्रत में ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी खाएंगे। शरीर में ब्लड की कमी को पूरा करने में सहायक। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो साबूदाना आपके लिए बेहतर आहार हो सकता है। साबूदाने में आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ये आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। इससे एनीमिया और इससे होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी साबूदाना काफी लाभदायक होता है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसके अलावा साबूदाने में मौजूद पोटेशियम हृदय रोगों की समस्या को भी दूर करने में काफी सहायक है। वजन बढ़ाने में मददगार। आजकल की लाइफस्टाइल में अधिकतर लोग अपने बढ़ते वजन से बहुत परेशान हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए वजन बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों के लिए साबूदाना बिल्कुल परफेक्ट है। साबूदाने में अच्छी मात्रा में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे खाने से वजन जल्दी बढ़ता है। मस्तिष्क के विकास के लिए साबूदाना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मस्तिष्क के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें मस्तिष्क की कई परेशानियों को दूर करने के गुण होते हैं। इसमें पाया जाने वाला फोलेट हर उम्र के लोगों के स्वस्थ दिमाग के लिए फायदेमंद होता है। साबूदाना में पाया जाने वाला फोलिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स गर्भावस्था के समय गर्भ में पल रहे शिशु के विकास में भी बहुत सहायक होता है। पाचन के लिए साबूदाने में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो आपके पाचन तंत्र को बेहतर करने में काफी मदद करती है। ये कब्ज जैसी पेट की परेशानियों से बचाता है। अगर आपको डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो आप साबूदाने का सेवन जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।